तो दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में सैमसंग आजकल बहुत ही ज़्यादा जो ध्यान दे रहा है, यानी कि सैमसंग का कोई भी फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन हो या मिड रेंज स्मार्टफोन हो उसके अंदर आपको रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल जाता है। तो गाइज आज सैमसंग गैलेक्सी F22 के अंदर एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया जो कि UI 4.1 Android 12 का सॉफ्टवेयर अपडेट है। तो गाइज इसको कैसे अपडेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट सोई। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी F22। तो गाइस सबसे पहले आपका वाईफाई जो आपको कनेक्ट कर लेना है, अगर आप मोबाइल डेटा से करोगे तो भी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गाइस जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में ये सॉफ्टवेयर अपडेट इज़ अवेलेबल ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डाउनलोड, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हो तो सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे किसी पे भी आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आपके सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर आप जो चले जाओगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट्स न्यू, यानी कि इस अपडेट के अंदर कंपनी ने क्या कुछ चेंजेस किया, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो UI Core 4.1 यानी कि Android 12 का सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है Samsung Galaxy F22 के अंदर। और गाइस यहाँ पे इसकी साइज भी देख सकते हो कितना सारा चेंजेस किया कंपनी ने। यहाँ पे आप देख सकते हो 2274 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, और ये काफ़ी पहले आ चुका है क्योंकि जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तब उसके अंदर बग भी होते हैं, तो मैं तुरंत जो इंस्टॉल नहीं करता हूँ। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम दिखाएंगे आगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड कर पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। फर्स्ट वाला है स्केड्यूल इंस्टॉल, अगर आप स्केड्यूल रखना चाहते हो तो भी स्केड्यूल के हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और अभी रिसेंटली इस फ़ोन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल नाव का भी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, तो हम जो इंस्टॉल नाव पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस जैसे इंस्टॉल नाव पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ जाएगा। और गाइस यहाँ पे प्रोसेस लेगा, ये प्रोसेस 100% ख़त्म होने तक आपको शांति से वेट करना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो वो प्रोसेस थे वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग आ चुकी है। और एक प्रोसेस लेता है फ्रेंड्स, ये भी आप देख सकते हो, ये प्रोसेस भी 100% ख़त्म होने तक आपको शांति से वेट करना है, यानी कि हमारा फ़ोन जो फिलहाल अपडेट की प्रोसेस में है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वो प्रोसेस थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, और ये करीब 5 या 10 मिनट जितना टाइम लेता है, तो आपको शांति से वेट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सैमसंग की ब्रांडिंग भी आ चुकी है। और एक बात फ्रेंड्स कि जब भी आप अपना स्मार्टफोन जो अपडेट करते हो तो आपका चार्जिंग जो वो 50% से ऊपर रहना चाहिए, फिर ऐसा भी ना हो कि आपका फ़ोन जो अपडेट की प्रोसेस में है और चार्जिंग की वजह से आपका फ़ोन जो स्टार्ट ही ना हो पाए, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग एप्स, ये प्रोसेस खत्म होने के बाद हमारा फ़ोन जो शायद स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रोसेस भी 100% हो चुकी है कंप्लीट। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ़ोन जो फाइनली स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अभी जो रिसेंटली हमने इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हो चुका है, और अपडेट होने के बाद फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लोडिंग वगैरह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिशिंग सिस्टम अपडेट, यानी कि कुछ इस तरीके से सैमसंग गैलेक्सी F22 के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट यूर डिवाइस हैज़ बीन अप टू डेट, यानी कि जब भी आप अपना स्मार्टफोन जो अपडेट करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर ही अपडेट होता है, आपका डेटा जो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 का सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है, तो आप जो बड़े आराम से इसको यूज़ कर पाओगे, और इसके अंदर जो कुछ भी नए फीचर्स आए वो सब कुछ इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।